वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे स्पाइसी चटपटा फ्राइड कॉर्न। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। गरम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो जाए तब इसमें 3 कलियां लहसुन की चॉप्ड करके डालेंगे, 1 इंच चॉप्ड किया हुआ अदरक। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज के साथ इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए तब इसमें 2-3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ टमाटर, 2-3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ कैप्सिकम, 1 कप बॉईल किया हुआ कॉर्न, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून सेजवान चटनी, ये ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून के करीब टमेटो सॉस, 2 मिनट को मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। और बॉयल कॉर्न की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब नींबू का रस डालेंगे और इसे मिक्स करके गैस को ऑफ कर देंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा चॉप धनिया पत्ता डाल के इसे मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।